जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, सारी जानकारी तभी समझ में आएगी। जो लोग नए हैं, सक्षमता परीक्षा क्या है इसके ऊपर हमने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी दिया है कि सक्षमता परीक्षा किसको देना है। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो बिहार में कार्यरत शिक्षक हैं, यानी कि जो नियोजन के माध्यम से उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, यानी कि नियोजित शिक्षक जो भी हैं वो सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, देंगे। और ये देना अनिवार्य किया किसने, तो बिहार सरकार ने। बिहार सरकार का कहना हुआ यहाँ पर कि आप सक्षमता परीक्षा 5 टाइम दे सकते हैं, यानी कि 5 बार आपको ये परीक्षा देनी है। मतलब 5 बार में किसी बार भी आप पास हो जाएं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 3 टाइम जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये परीक्षा देना है और 2 टाइम ऑफलाइन होगा परीक्षा। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देना होगा। तो पिछली बार क्या हुआ, सक्षमता परीक्षा जब 1 हुआ तो उस दौरान जो है 1,87,000 जो शिक्षक हैं इस परीक्षा को पास कर जाते हैं। उसके बाद सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म भरा गया है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन डेट अभी डिले कर दिया गया, ठीक है, डिले कर दिया गया और एक बार एग्ज़ाम डेट निकाल कर स्थगित भी कर दिया गया। इसमें करीब करीब अभी 85,000 जो शिक्षक हैं फॉर्म भरे हैं, ठीक है। इसमें तो 1,87,000 लोग फॉर्म भर के पास हो गए, पर इसमें जो है 85,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब सवाल उठ रहा है कि ये परीक्षा कब तक होगी। उससे पहले यहाँ पर एक मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में क्या मामला चल रहा था, तो कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक भी थे जिनका मानना था कि हम बार बार आखिर ये परीक्षाएँ क्यों दें, हम हर बार, चूँकि क्या हुआ है 2012 में भी आपसे परीक्षा ली जाती है, आपको प्रमोट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप बीएड देते हैं, इनका कहना है, ये टीईटी परीक्षाएं देते हैं, यहाँ पे इनका कहना है, तो हम बार बार ही परीक्षाएं अपनी क्यों दें, हमें जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक यानी कि सरकारी शिक्षक बना दिया जाए, इनका कहना है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं तो ये क्या गए, पटना हाईकोर्ट का रास्ता देखें। अब पटना हाईकोर्ट में मामला जब गया तो पटना हाईकोर्ट ने इनके मामले को खारिज कर दिया, तो ये मामला उठकर चला गया आप सुप्रीम कोर्ट। अब जाहिर सी बात है कि अब तो यहाँ पर आपको इंटरटेन करने के लिए अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो ऊपर कोई कोर्ट होता नहीं है जहाँ पे आपकी बातें सुनी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी होगी, ठीक है, नियमों से नहीं चलते हैं तो छोड़ दें नौकरी। मतलब इतनी कड़ी भाषा में, कड़े शब्दों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नियोजित शिक्षकों को आदेश दे दिया कि जिनको नौकरी नहीं करनी है वो नौकरी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो सक्षमता परीक्षा पास करके जो है अब आपको एग्ज़ाम अपना निकालना होगा। अब देखिए, चूँकि क्या है कि अब सक्षमता परीक्षा 2 में आपको फिर से थोड़ा याद दिला दूं कि आप लोगों ने जो लोग फॉर्म भरा है वो एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, और जब तीसरा अटैम्प्ट होगा उस समय क्या होगा, तीसरा अटैम्प्ट जो लिया जाएगा उस समय पेपर होगा कठिन, चूँकि एक बार पेपर हो चुका है उसमें 90% रिज़ल्ट आया है, 90% से अभी बता रहे थे लोग कि रिज़ल्ट आया हुआ है। अब जो सक्षमता परीक्षा 2 होगा, इन दोनों का परीक्षा लेकर जो है फिर इनको जो है पदस्थापन किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा इनको, और जो है ट्रांसफ़र वाला नियम कानून यहाँ पे लगेगा। तो उसके लिए भी डेट मैं आपको बता दूँ कि 10 जुलाई तक जो है आप लोग का संभावना बताया जा रहा है, और अगस्त महीने में इनको जो है पदस्थापन भी करवा दिया जा सकता है। तो संभावनाएँ हैं अगस्त या सितंबर तक भी आप सभी को जो है यहाँ पर दे दिया जाए। 10 जुलाई तक डेट आने की संभावना है, सक्षमता परीक्षा 2 का एग्ज़ाम डेट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इनको क्या कहता है, क्योंकि देखिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया भी था, इनकी बातों को रखा था हमने, लेकिन मैंने उस वीडियो में ये बातें आप लोगों को कही भी थी कि देखिए परीक्षा दे देना ही बेटर होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्रमोशनल कोई एग्ज़ाम देते हैं, आप ऑफिशियल तौर पे कहीं अगर कार्यरत हैं कहीं ना कहीं किसी विभाग में, तो प्रमोशन के लिए तो आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वही सक्षमता परीक्षा मान के एग्ज़ाम दीजिए। एक तरह से ये डिपार्टमेंटल ही एग्ज़ाम है, और इसको कंडक्ट भी कौन कर रहा है, तो बिहार सरकार का एक डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कर रहा है जिसको BSEB नाम है। ऐसा तो है नहीं कोई कमीशन आपका एग्ज़ाम ले रहा है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये एक प्रमोशनल एग्ज़ाम ही है, मैंने उस समय भी कहा था। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनली अपडेट यही आया कि आपको परीक्षा देनी होगी, और ऐसा नहीं देते हैं तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप 5 बार भी अगर फेल हो गए, 5 अटैम्प्ट होता है इसका, और 5 अटैम्प्ट में आप फेल अगर हो भी गए
तो कोई नहीं, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, ये बिहार सरकार ने अपने नियम में लिख रखा है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप परीक्षा जरूर दें। पटना सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर देखिए पटना का खबर है ये, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के नियम के अनुसार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी, यदि वे नियम के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये कड़े शब्दों में बोला गया है, इसे छोड़ने देने के लिए कहा गया है, इसे नहीं कहा गया कि आप छोड़ ही दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीबी नगरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की वैकेशन बेंच ने गुरुवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका को निरस्त करते हुए यह निर्णय सुनाया है। प्रारंभिक शिक्षक संघों द्वारा सक्षमता परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले अप्रैल में पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ऐसी मांग की और निरस्त कर दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को, यहाँ पर इस निर्णय से बिहार के लगभग 400,000 नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अब देखिए 400,000 में से 187,000 तो लोग पास ही हो गए हैं और इस बार 85,000 और बैठेंगे सक्षमता परीक्षा 2 में, ठीक है। तो ये लगभग जो है, मान लीजिए अगर 85,000 में से 80,000 भी अगर पास हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, 90% यहाँ भी रिजल्ट अगर रहता है ऊपर 90% से ऊपर, तो मान के चलिएगा कि यहाँ पर लगभग 216,000 के आसपास जो है लोग पास हो जाएंगे। लेकिन फिर भी 50% लोग जो हैं अभी परीक्षा नहीं देने के विचार में है। तो 4.25 लाख लोग हैं यहाँ पर, देखिए 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पे, उनको ये झटका दिया है। नई शिक्षक नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, जिसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण को लेकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इन स्थितियों में दृष्टिगत उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप ना तो सिर्फ शिक्षक ही बल्कि अगर आप कोई कर्मचारी भी हैं, किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आप उस प्रमोशन के लायक होंगे, तभी तो वो एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ पर, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो ये डिपार्टमेंटल ही एग्ज़ाम समझ के इसको आप लोग दीजिए। और बिल्कुल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो है, यहाँ पे बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि सक्षमता परीक्षा की पूरी तरह वैकल्पिक है, परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और बीपीएससी शिक्षकों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं भी इनको मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा तो ये जानकारी अभी जो है कल ही दे दिया गया था और ये अभी आपको न्यूज़ अपडेट में भी आ चुका है और ये सूचनाएं हम आप तक पहुंचा भी दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हमने अब तक साझा की है इस परीक्षा को लेकर। तो आपको तो परीक्षा देनी पड़ेगी जो भी नियोजित शिक्षक है। और एक बात मैं आपको फिर इस वीडियो में और कह देना चाहता हूँ, थोड़ा इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना, रिमाइंड में रखिएगा दिमाग में। और जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्त हुए हैं, नव नियुक्त शिक्षक हुए हैं, ठीक है, उनकी नव नियुक्ति हुई है, ऐसा ना समझेंगे कि उनको सरकारी नौकरी मिल गई तो अब पढ़ना बंद। अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि आगे चलकर ऐसा भी नहीं होगा कि सक्षमता परीक्षा आपकी नहीं ली जाएगी। हो सकता है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में पैटर्न को बदला जाए, पूरे बिहार के पैटर्न को, पूरा जो बिहार का शिक्षा नीति उसको बदल दिया जाए। तो ऐसे करने में अगर कहीं बदलाव होता है तो वहाँ पे आपको जो है ऐसी सक्षमता परीक्षा देनी होगी। हो सकता है कि उसका नाम कुछ और हो, है ना, और आपको ये परीक्षाएं देनी होगी ताकि आप योग्य बने रहें उन अभ्यर्थियों को, उन सिलेबस को पढ़ाने को लेकर। अब जो लोग पास नहीं करेंगे यहाँ पर इस 5 बार के अटेम्प्ट में सक्षमता परीक्षा में, तो बिहार सरकार ने नियमावली में लिख रखा है कि नौकरी नहीं जाएगी आपकी, आप नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, आप राज्यकर्मी नहीं बन पाए। हाँ, अगर पास करके आप सरकारी नौकरी पा लेते हैं, पास कर लेते हैं, तब आप जो है इसको एग्ज़ाम को ज़रूर दे लीजिएगा। एग्ज़ाम देने के लिए मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अब पैटर्न जो है थोड़ा कठिन किया जाएगा यहाँ पर एग्ज़ाम का। तो जो भी तैयारी है उसको और ठोस बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और ख़ासकर NCERT और जो SCERT का बुक है उसको फॉलो कीजिए। जिस क्लास के आप शिक्षक हैं उस क्लास के अपर क्लासेस को पढ़िए आप लोग, और उनकी परीक्षाओं का पेपर देखिए कैसा आया था सक्षमता वाला, वैसे क्वेश्चन देखकर ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। नया जो BSEB सक्षमता परीक्षा जो है 2 जो है, उसका एग्ज़ाम का डेट 10 जुलाई तक आने की संभावनाएँ बताई जा रही हैं। जैसा कि इसके लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं बिहार में शिक्षा विभाग की,
तो जैसे ही जो अपडेट आता है हम आप तक साझा करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा एजुकेशन की 86 का। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।